पापा ने ई रिक्शा चलाना शुरू करा सर, डेढ़ या 2 साल पहले की बात है। तो पापा ई रिक्शा चलाना स्टार्ट करा और घर में फिर सर फिर भी पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि रिक्शा की EMI इतनी जाती थी। तो मम्मी ने फिर सर सिलाई का काम शुरू कर दिया घर में। हमने रेंट नहीं भर पा रहे थे काफी टाइम तक, तो घर का सर 7 मंथ्स का नहीं सर रेंट पर रहते हैं। तो मैं रो ही गया था क्योंकि मैंने पहले मम्मी को बोला था कि इसी साल कर दूंगा 2-3 महीने में ही क्लियर, पर मैं सर फिर रो गया कि अब यार ये और पैसे 4,000 रुपये कहाँ से करेंगे। फिर मम्मी सर स्टिचिंग का काम करते हैं, तो मम्मी ने पूरे मंथ जो अर्निंग करी अपनी उससे मेरे क्रैश वो जो फीस था ड्रॉप ईयर का उसके लिए मम्मी ने वो पैसे दिए। हाय विशाल। हेलो सर, क्या हाल चाल है सर? मैंने ये सर ये टाइम बहुत बार मैनिफेस्ट करा सर अपने मन में कि इतना स्कोर आ जाएगी आपसे मिल लूं कम से कम। कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरे को लगा कोई फैकल्टी में से कोई मतलब आपकी टीम में से कोई पहले आएगा, आप एकदम से आ गए सर, सरप्राइज दे दिया आपने। तुमने इतना अच्छा मचाया यार, तो मिलना तो बनता रहा तुमसे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। तो आप फर्स्ट ड्रॉप है? यस सर, पहले ड्रॉप है सर। पिछले बार तुम्हारे कितने नंबर थे सर? 318। और इस बार 640 सर। सर डबल से भी ज्यादा हो गया सर। हां जी सर। कैसा रहा 11, 12th? अपनी कहानी सुनाओ, कैसे ज्वाइन किया, क्या हुआ? सर मैंने ना सर शुरू से सोचा था कि डॉक्टर ही बनना है, लेकिन पापा का धीरे धीरे बिजनेस था जाटपुर में, उसमें लॉस होता गया काफी ज्यादा। तो फिर एक ऐसा टाइम आ गया पापा को वहां से छोड़ना ही पड़ा, और फिर हम लोग 11th 12th में मैं और मेरा भाई गवर्नमेंट स्कूल में आ गए। फिर पापा का फिर वहाँ से काम छूट गया था, तो पापा ने ई रिक्शा चलाना शुरू करा सर, डेढ़ या 2 साल पहले की बात है। तो पापा ई रिक्शा चलाना स्टार्ट करा और घर में फिर सर फिर भी पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि रिक्शा की EMI इतनी जाती थी। तो मम्मी ने फिर सर सिलाई का काम शुरू कर दिया घर में। मम्मी कब से सिलाई का काम कर रहे थे घर पे? सर मम्मी को भी ऐसे हो गया 1.5 साल के आसपास। अच्छा। फिर सर मैंने सोचा कि अब क्योंकि कोचिंग तो अफोर्ड कर नहीं पाऊंगा, तो कभी मैं नीट दे ही नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर आपका सर कोर्स आया क्रैश कोर्स पिछले साल वाला नीट रीलॉन्च, तो मैंने वो ऐसे ज्वाइन कर लिया था बस देखने के लिए। फिर उसमें सर समझ आने लगा सब कुछ, तो मैंने सोचा कि इसी साल हम क्लियर करेंगे नीट। तो सर मैंने वो सही से फॉलो अप कर रहा था, लेकिन क्या था मैंने वो कोर्स ही इतना लेट ज्वाइन करा कि मैं अगर ठीक से करता भी तो भी पूरा नहीं कर पाता। फिर सर मैंने नीट दिया 2021 वाला, उसमें सर फिर वो भी 318 भी इसी वजह से आया क्योंकि सर क्रैश कोर्स ज्वाइन करा था, वरना इतने भी नहीं आते। फिर सर नीट का एग्जाम दिया, फिर नीट के एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले आपने यकीन बैच भी लॉन्च कर दिया था थोड़ा पहले ही। तो मैंने मम्मी को बताया था जबकि ड्रॉप करना पड़ेगा, तो मैं रो ही गया था क्योंकि मैंने पहले मम्मी को बोला था कि इसी साल कर दूंगा 2-3 महीने में ही क्लियर, पर मैं सर फिर रो गया कि अब यार ये और पैसे 4,000 रुपये कहाँ से करेंगे। फिर मम्मी सर स्टिचिंग का काम करते हैं, तो मम्मी ने पूरे मंथ जो अर्निंग करी अपनी उससे मेरे क्रैश वो जो फीस था ड्रॉप ईयर का उसके लिए मम्मी ने वो पैसे दिए। फिर मैंने वो बैच परचेस करा। फिर सर अच्छे से सब कुछ पढ़ाई वगैरह सब सही चल रही थी। फिर और मम्मी इधर सर मशीन पे काम करती हैं, तो एक बहुत ज़्यादा शोर करती है, बहुत शोर होता है। तो अमित महाजन सर ने बताया कि आप चाहो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, अमित महाजन सर का सजेशन था। तो सर मैंने फिर ढूंढी लाइब्रेरी घर के पास कहाँ है, फिर मैंने सर लाइब्रेरी जाना शुरू करा। वहाँ कितना पैसा लगता है लाइब्रेरी में? सर शुरू में मैंने दिए थे वहाँ 500 रुपीज़ दिए थे पर मंथ के, एक महीने के। हाँ हाँ सर। फिर उसमें वो फाइव आवर्स बाकी घर पर पढ़ते थे। फिर सर लास्ट में आते आते मेरे को और नीड लगी उसको पढ़नी, तो मैंने उसको 800 कर दिया। दो रूम नहीं है, ऐसा नहीं है सर, मतलब एक रूम में तो मम्मी सिलाई करती हैं, तो उसमें तो पढ़ ही नहीं सकते, बेड है और मम्मी की वो जो मशीन है, और साथ वाले रूम में भी बेड। हाँ, और साथ वाले रूम में भी बेड है, लेकिन उस पर उसमें साइड में थोड़ी सी हमने अरेंज करके टेबल लगा रखी थी, तो उस तरफ मेरा भाई बैठता था, इस तरफ मैं बैठता था। मेरे को अपना वो रूम दिखाओगे जहाँ पढ़ते थे तुम? सर यही पोजीशन थी, यहाँ पर एक टेबल लगी हुई थी। तो इसमें बैठते कैसे थे? यहाँ पर मेरी चेयर होती थी, यहाँ पर मेरे भाई की चेयर होती थी, यहाँ बीच में टेबल होती थी सर, यहाँ पर क्योंकि बेड है इस वजह से सर। तो फिर अभी हमने हटा दी क्योंकि घर में थोड़ा काम वाम हुआ था, तो हमारे जो घर के ओनर है उन्होंने पेंट वगैरह करवाए थे, तो हमने इसको हटवा दिया यहाँ से सर। फिर सर आपका कोर्स ज्वाइन करा, तो सर सब कुछ अच्छे समझ आता, स्मूथली आता था। पहला टेस्ट दिया 2.0। हाँ सर 1.0 ज्वाइन करा था यकीन सर उसका। हाँ पहला टेस्ट दिया, उसमें सर 650 मार्क्स है पार्ट टेस्ट था, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि अब ऐसे पढ़ेंगे तो होता जाएगा। तो सर पूरे लगातार मेरे 620 से लेकर 680 के बीच में नंबर आते रहे हमेशा, बस एक बार 590 आए थे, बाकी सर ऐसे आते रहे। फिर मैं रोज मम्मी को आके बताता था इतना स्कोर आया, फिर मम्मी पूछती थी कितने, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो मैं बताता था कि इतने आएंगे तो हो जाएगा। तो फिर
मैंने बताया कि मम्मी इतने हार्ड, मैंने कहा कोई बात नहीं तू मेहनत कर रहा है हो ही जाएगा। फिर वो हमेशा यही कभी भी प्रेशर नहीं डाला किसी ने, सर यही कहते थे कि अगर तुम करोगे तो हो ही जाएगा। फिर एक बार उन्होंने ये बोला कोई बात नहीं अगर नहीं हुआ तो अगले साल फिर दे देना। तो सर ये सुन के तो मैं और रोने लगा, मैंने कहा इतनी मेहनत कर रहे हैं अभी एक साल फिर से करनी पड़ेगी। फिर इसके साथ सर जब नीट का एग्जाम फिर सर पास आने लग गया धीरे धीरे, तो आपके लास्ट में 3 टेस्ट आए थे वो सर जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट आए थे, तो उसमें सर एक में 656, दूसरे में भी 656, फिर लास्ट में 660 मार्क्स आए थे। तो तब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हो जाएगा, वरना मेरे को लगा ही नहीं था कि हो जाएगा मेरा नीट में सिलेक्शन। सही बात है, लास्ट के 3 टेस्ट में जिसके जो स्कोर आ रहे थे नीट में उसके आसपास ही स्कोर आए। सर स्टेट कोटा कहाँ का है? सर दिल्ली का ही है। दिल्ली सर ओबीसी। तो अच्छा है स्कोर, अरे ओबीसी रहे तो बहुत बढ़िया स्कोर, गुड बढ़िया। इस साल जा रहे हो फिर डॉक्टर बनने? हाँ सर इस साल जा रहे हैं। जहाँ भी जाओगे बहुत सारे पीवियंस मिलेंगे तुमको, सीनियर्स बहुत मिलेंगे, सारी हेल्प हो जाएगी। जो मेरे पीछे बैठा था ना एग्जाम हॉल में, मैंने उससे पूछा कि जब एग्जाम हो गया कि कहाँ से, उसने कहा फिजिक्स वाला, और बाहर भी कई लोग बात कर रहे थे फिजिक्स वाला से ही पढ़ा था सबने, और लास्ट के 3 टेस्ट भी दिए थे कई लोगों ने। हाँ, वो तो काफी लोग ने दिए, सही बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विशाल, बहुत बढ़िया। आप कॉलेज जा रहे हो, पापा का पापा खुश हैं कॉलेज भेजने के लिए? पापा मम्मी हाँ सर बहुत खुश है पापा सर। और बीच में ऐसा भी हुआ था कि हम लोग जैसे लेक्चर देखता था मैं तो 10 मिनट देखा, लेकिन बीच में मेरा कहीं और ध्यान चला गया घर के इस वजह से, घर में कंडीशंस की वजह से, क्योंकि हम ना रेंट नहीं भर पा रहे थे काफ़ी टाइम तक। तो घर का सर 7 मंथ्स का नहीं सर रेंट पर रहते हैं। पहले था कभी अपना? हाँ सर पहले हमारा खुद का घर था, फिर 4-5 या 6 साल पहले हाँ सर वो बेच दिया था। फिर पहले ठीक था मतलब, तो मैंने पहले सोचा था कि हम कोचिंग कर लेंगे अफोर्ड, लेकिन फिर सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि कर नहीं पाए। फिर सर हमारा 6 या 7 मंथ्स का रेंट इकट्ठा हो गया था सर, तो वो तो हमारे सर ओनर इतने अच्छे हैं उन्होंने हमको निकाला नहीं, वरना मैं पढ़ रहा हूँ और बीच में से कोई मुझे घर से निकाल दे तो सर बिल्कुल ही सब खराब ही हो जाता। पर उन्होंने हमारी बात को समझा, उनका बहुत बड़ा रोल रहा इस चीज़ में, उन्होंने हमें वहाँ पर रहने दिया। क्या फिर सर मार्च सर मोहरपाल मोहरपाल नाम बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वजह से एक बच्चा आज डॉक्टर बन रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सर मार्च के आसपास दी ने फिर कॉल सेंटर में जॉब शुरू कर दी। वैसे इनको सर यूपीएससी के लिए पढ़ना था, लेकिन घर में कंडीशंस इतनी खराब थी दी ने कॉल सेंटर में जॉब शुरू कर दी ताकि तो दी सर 3 साल बड़ी है, उनकी ग्रेजुएशन हुई है बीकॉम। फिर सर उनकी जॉब लग गई थी तो इतना हो गया था कि हम मंथ बाय मंथ रेंट दे पा रहे थे, तो उससे सर काफ़ी मेरे को कॉन्फिडेंस आया। फिर मेरे को लगा कि मेरी वजह से मेरी बहन जॉब कर रही है, तो मैंने सर और एफर्ट्स डाले लास्ट के जो कि 4-5 महीने थे, उससे ही सर मेरा इंप्रूव हो गया स्कोर काफ़ी ज़्यादा। फिर जब मैं सर रिजल्ट वो एग्ज़ाम दे के आया तो दीदी ने मन्नत मांगी थी कि अगर इसका अच्छा जाएगा ना एग्ज़ाम तो महाशिवरात्रि का निर्जला व्रत रखूँगी, तो इसने सर रखा। फिर उसके बाद 2 घंटे इसका गुड़गांव ट्रैवलिंग है फिर आना भी, और कॉल सेंटर में बोलने का काम होता है, फिर भी इसने पानी नहीं पिया सर मेरे लिए, पूरे टाइम बोलना रहता है उसमें। हाँ जी सर क्या बात है, क्या बात सर। फैमिली से काफी सपोर्ट रहा, मतलब कभी नहीं लगने दिया कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, हमेशा बोला नहीं हुआ तो कोई बात नहीं और कुछ कर लियो। विशाल आप अपनी बहन को बोलो कि वो तैयारी करें और जो भी फाइनेंशियल है वो मैं हैंडल कर लूंगा, हम लोग हैंडल कर लेंगे। वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वापस से तैयारी करें, ये मेरी तरफ से अश्योर करता हूँ मैं उनको। तो जो भी फाइनेंशियल नीड्स है वो हम लोग देख लेंगे, वो उनसे बोलो यूपीएससी एसएससी जो भी उनको प्रिपरेशन करनी है, जो भी उनका एम है उसको, क्योंकि आपसे 3 साल बड़े हैं, यानी अभी वो भी बहुत छोटी बच्ची है मेरे लिए। हाँ जी सर। और ऐसी छोटी बच्ची मतलब जॉब कर रही है अपनी चॉइस से नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन से, और मेरे पास ये बात आ जाए उसके बाद मैं उस पर एक्शन ना लूँ तो मेरे लिए बहुत ही मतलब बहुत ही मेरे लिए इंसल्ट की बात हो जाएगी। सर इधर ही बैठी है यार, मेरी तो जिम्मेदारी बनती है, बात करो कहाँ है हेलो सर। क्या नाम है बेटा आपका? वैसे आपको बेटा क्या बोलूं, मैम बोलूं, आपने इसका ध्यान इतना दिया है, इतनी जिम्मेदारी उठा ली है, बेटा वाली चीज तो रही नहीं यार। सर विशावना। विशावना यार हैट्स ऑफ यार आप सब। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बड़ा रोल रहा, जो भी था लगा नहीं था सिचुएशंस देखकर कि कर पाएगा ये जो इसका सपना है पूरा, लेकिन उसी वक्त आपका वो बैच आया, आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा रेडी हुआ कि मेरे दोनों भाई अभी पढ़ रहे हैं, दूसरा वाला जेई के लिए कर रहे हैं, तो सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया सर। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपका और आपके प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाँ हाँ वो ठीक है सर, अटा रटा मत बोलो, ये बताओ आपको आई वांट टू थैंक्स, वो सब ठीक है, ये बताओ आपको अभी क्या यूपीएससी की तैयारी करना है?
यस सर, सिविल सर्विसेज के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, बट फिर थोड़ी सिचुएशंस ऐसी हो गई तो मैं जॉब स्टार्ट कर दी मैंने. अभी उसका जेई हो जाए छोटे वाले का, तो उसके बाद मैं वापस से प्रिपरेशन पे आ जाऊंगी पार्ट टाइम जॉब देख के. हम लोग यूपीएससी वैसे भी लॉन्च कर रहे हैं, तो यूपीएससी इसने बताया सर, सब्सक्राइब करा देंगे तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज यूपीएससी कोर्स आने वाला है, वो आपको हम ऑलरेडी फ्री में सब्सक्राइब करा देंगे. जॉब का यार मेरा रिकमेंडेशन है, जॉब मत करो. जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट होगा मैं करूंगा, जितना भी जॉब से हो रहा है वो मैं पूरा कर दूंगा. बाकी इट्स योर चॉइस, मतलब हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आपकी अपनी चॉइस है. मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा इस चीज़ लिए परेशान है और मेरे तक पहुंच गया है तो हमको एक्शन लेना होता है उस पर. तो मेरे हिसाब से तो आई विल हेल्प. बाकी यार अपनी सबकी अपनी स्ट्रगलिंग स्टोरी है, मैं ये नहीं कहता कि इस तरह से गेम जीत जाओगे, और ये भी नहीं कहता कि जॉब करके हार जाओगे. हम लोग ने भी बहुत किया है, ट्यूशन पढ़ाया है, साथ में पढ़ाया, तो सबकी अपनी कहानी होती है, अपने स्ट्रगल होते हैं और उससे खुद ही लड़ना चाहिए, वो भी सच है. सर आपने इतना बोल दिया, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, आपने इतना बोल दिया वही बहुत है. और ये मैं बोलने के लिए नहीं, एक दो साइन कर देना मेरा तो काम हो जाए. और ये डॉक्टर बन ही गया है तो एक दो मेरे लिवर किडनी का ऑपरेशन कर देगा तो मेरा खर्चा. नहीं सर, ऐसे नौ बनना है सर बस. आनी तो नहीं चाहिए पर प्रेजेंट लाइफस्टाइल तो लग रहा है कि तुम लोग रहोगे तो ये भी बच जाएगा, ये खर्चे भी मेरे बहुत, मेरे तो काफी खर्चे बच रहे हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट है ये सब लाइफ के बहुत तगड़े. तो इसके बाद कोई भी नीड होती है. विशाल आप किससे बात कर रहे हो टीम में, अंकुर से कि सागर जी से? सर सागर, सागर जी. सागर सर से आप बात कर सकते हो इसके बाद, कॉलेज में फाइनेंशियल नीड कोई भी बात हो यहाँ से किसी भी तरह की, तो आई विल बी विद यू. कॉलेज की फीस का, घर के रेंट का, दीदी का, थैंक यू सर, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा यहाँ से कुछ भी होगा. आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू विशाल. आपसे डेफिनेटली मिलूंगा, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर मिलेंगे हम लोग, ठीक है सर? पक्का? हां पक्का, मैं भी चाहता हूं, मेरा प्रॉमिस है, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर मिलेंगे हम लोग. दीदी को भी साथ लाना, दीदी से. ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा विशाल तुमसे बात करके, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन. और टीम से कनेक्ट करो अगर कोई भी, ठीक है, कैसी भी नीड हो तुम टीम को बता दो, मेरी बात हो रही है लगातार, ठीक है जी सर. कॉलेज की फीस का क्या सोचा है सर? अभी यही सोच रहे थे कि अगर किसी की कम होती है 30-40,000 के अंदर फीस, तो जैसे तैसे कहीं से करके हम दे देंगे, मतलब क्योंकि देखिए सर पिछले जब देखिए बीकॉम कर रही थी ना तो उसकी सिर्फ 12,000 फीस थी, तो सर वो भी नहीं हम दे पा रहे थे, मतलब पहले साल किसी से लिया, दूसरे साल हमने फिर और किसी से लिया, तीसरे साल गोल्ड लोन लिया, तो वो भी निकाल पाए थे हम. एजुकेशन लोन सर इतना किसी को घर में नॉलेज भी नहीं थी, मैं भी छोटा था और दी भी सब तब 12th पास थी, मम्मी पापा भी कोई ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है सर, तो हमें को ज्यादा पता भी नहीं था कि ये ले भी सकते हैं और इतना छोटा लोन क्या पड़े. बेस्ट होता है, जिम्मेदारी आएगी आपके ऊपर, आपके ऊपर लोन रहेगा, आप कमाओगे बैंक को वापस करोगे. मैंने भी लिया था, हम लोग सब लेते हैं, हम सब गरीब घर के बच्चे बैंक लोन पे पढ़ते हैं, सो दैट इज वन ऑप्शन. अगर वो आप पे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हो सकता है अब आपको वैसे आपका कॉलेज अच्छा है, बैंक लोन मिल जाएगा वैसे तो, अगर वो है तो वो, अदरवाइज हम लोग करेंगे, फीस में कोई इशू नहीं है. तुम इसके बेसिस पे कॉलेज में सेलेक्ट करना, अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना जी सर, ये मत देखना कहां की फीस है. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज के लोगे, प्राइवेट तो नहीं चले जाओगे अभी. हां सर पे पर इतने मार्क्स तो आए हैं. हां फीस के चक्कर में कॉलेज कॉम्प्रोमाइज मत करना, जो भी फीस होगी मैं करूंगा, ठीक है? ठीक है, टीम से लगातार टच में रहना. अभी तुम लोग से तुमसे अभी एक कॉल और आएगा नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, एक कॉल और आएगा इसी के रिगार्डिंग, है ना, फीस के लिए बात, ठीक है? बस यार तुम पढ़ो, अब तुम मचाओ, बस बाकी सब हम लोग देखेंगे, तुम मचाओ. बाय विशाल भाई, थैंक यू सर, थैंक यू सर.